कुछ दिन पहले मैं ऑटो रिक्शा में सफर कर रहा था। मेरे बाजू वाली सीट पर एक लड़का और लड़की बैठे थे। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। थोड़े समय के बाद वे आपस में बात करने लगे। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी दी। बातचीत उस मुकाम तक पहुंच गई कि मोबाइल नंबर का एक्सचेंज शुरू हो गया। लड़के का मोबाइल किसी वजह से ऑफ था, तो उसने अपनी जेब से एक कागज बरामद किया, लेकिन लिखने के लिए उसके पास पेन नहीं था। बाजू की सीट पर बैठा हुआ मेरा सारा ध्यान उन्हीं दोनों की तरफ था, इसलिए मैं समझ गया था कि लड़की का मोबाइल नंबर लिखने के लिए लड़के को पेन की जरूरत है। उसने बड़ी आशा से मेरी तरफ देखा और मुझे बुलाया। मैंने अपनी शर्ट के ऊपरी जेब में लगाकर रखा हुआ अपना पेन निकाला और चलती हुई ऑटो रिक्शा से बाहर फेंक दिया और मन में मोदी जी के शब्द आए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। Thank you.